देखो एक्सरसाइज है अपना 6D और क्वेश्चन नंबर 1-2 डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। डिवाइड करना है, बहुत ही इजी तरीका होता है डिवाइड करने का, दो तरीका हो सकता है हम लोग के पास, एक वही जो बचपन से सीखते आए हैं उसमें मेथड से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखना, एक को हम बताते हैं दो मेथड से और दूसरे को कंटिन्यू रखेंगे दूसरे मेथड से। यहाँ पर है इससे इसको डिवाइड करना है, 19x ऐसे भी लगा सकते हैं डिवाइडेड बाय 30xx³ - 57x² तो ऐसे भी 19 के टेबल में 38 आता है, 19 दूना 38 आता है, 38 आता है, 2 टाइम्स आता है 38, तो 38 तो पुर गया, लेकिन पुराना x क्यों है, यहाँ पर x के पावर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक है, तो दो का कमी है, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे x², अब पुर गया 38x³ और माइनस करते ना तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से उतर गया -57x², निगेटिव का साइन है तो यहाँ पर निगेटिव साइन छाप के तौर पर आएगा, और 19 के टेबल में 57 यानी 57 कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो -57 आ जाएगा और एक एक्स आएगा, लेकिन डिमांड कितना एक्स का है, 2x का है, तो एक एक्स और चाहिए, अब पूर जाएगा ये ना, तो क्या आ गया x² माइनस है तो नीचे लगा देंगे प्लस, कैसा नहीं है, कैंसिल बच गया 0। तो इस प्रकार ही तुम्हारा आंसर हो जाता है, एक मेथड ये है, और सेकेंड मेथड जो है अपना वो भी देख लो तुम लोग, सेकेंड मेथड अगर यही क्वेश्चन को बनाते दूसरे मेथड से तो क्या करते, लिखते यहाँ पर 38x³ -57x² डिवाइडेड बाई 19x। अब देखो कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं, 19 के टेबल में 38 आता है ना, तो 19 हम लोग ले सकते हैं कॉमन, नीचे क्या x का डिमांड है, ऊपर से x भी हम कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बचेगा, 19 के टेबल में 19 के पहाड़ा में 38 कितना बार आता है, 2 बार आता है, तो 2 लिख दिए और एक x ले चुके थे, 3 था तो क्या बच गया, स्क्वायर बच गया, क्लियर है, माइनस 19 के टेबल में 57 कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, और एक एक्स छीन चुके थे तो एक एक्स अभी बचा हुआ है बाय 19x, ये कैंसिल हो जाता है, देख लो मिलाकर के फिर से वही आंसर आ गया। ये दो मेथड हो सकता है बनाने का, इस क्वेश्चन को हम यही मेथड से बना के दिखाते हैं और थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे 23x⁴ +69x³ - 46x² डिवाइडेड बाय -23x² 23 के टेबल में ये तीनों टर्म आने वाला है, 23 के टेबल में तीनों टर्म आएगा, तुम डिवाइड करके देख सकते हो तीनों टर्म आएगा, यहां से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ध्यान देखना, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, सभी में से 23 कॉमन ले सकते हैं, है ना, अगर मान लो रिक्वायरमेंट माइनस का है तो तुम मारा मन माइनस भी कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं लोगे तभी चलेगा, तो माइनस कॉमन ले लिए, नीचे x² का रिक्वायरमेंट है, देखो मैक्सिमम वैल्यू x⁴ है और मिनिमम क्या है x², तो मिनिमम को हम कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो हम लोग x² कॉमन ले लिए। अब बताओ 23 के टेबल में 23 कितना टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन लिए थे इसलिए माइनस का लगाएंगे, यहाँ पर क्या चीज x और पावर में क्या 2, क्योंकि 2 तो ले चुके हैं, और यहाँ पर 23 के टेबल में 69 कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, और निगेटिव ले लिया है तो प्लस में से एक उसी की खींच के माइनस कर दिए, 23 के टेबल में कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, x² ले लिया है, यहाँ पर 3 था तो एक x बच गया, समझ में आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा वो प्लस, और 23 के टेबल में 46 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, x² तो ऑलरेडी ले चुके थे, एज इट इज आ गया 2 -23x², अब ये से ये कैंसिल हो गया ना, तो हम लोग के पास जो बचा वो क्या बचा, चलो ऐसे गड़बड़ा सकते तुम लोग, हमें हाल ही देते क्या बच गया हम लोग के पास, -x² -3x और +2, यही अपना हो गया फाइनल आंसर। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, क्या करेंगे, 2x² y² z +3x y² z² -4x² y z डिवाइडेड बाई क्या करना है, x y z, ठीक है, तो जो बच्चा को ऐसे भी नहीं समझ में आता है वो बच्चा क्या कर सकता है, 2 × x × x 2 बार लिखेगा, y × y 2 बार लिखेगा, z अकेला तो 1 बार लिखेगा, जो दिखेगा सम में एक जैसा उसी को लेंगे बाहर, जो सबके पास वही ले सकते हैं कॉमन, चंदा चुटकी करा सी, तो देखो डिमांड नीचे x y z है, x y z को गैप करना है, तो हम लोग सम में से x y z ही सिर्फ कॉमन ले लेते हैं, x y z ही कॉमन लेते, क्योंकि उसको गैप ही करना नीचे वाले टर्म को, तो यहां से हम लोग के पास बच जाएगा 2 और x एक छीन लिए देखो x बच गया, y भी एक छीन लिए देखो y बच गया, z छीन लिए तो बचेगा कहां से, z कुछ नहीं बचेगा, z की जगह पर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, प्लस की जगह पर प्लस और 3 में से 3 रह जाएगा और x चला गया तो x बचेगा क्या, नहीं, y और z छीना गया था, एक एक y z बच गया, ठीक है ना, यहां से z देखो ध्यान से समझना, यहां से हम लोग x y और z छीन लिए तो सिर्फ क्या बच गया, एक 4 बच गया और एक x बच गया, y z नहीं बचेगा यहां, क्यों नहीं बचेगा y z, क्योंकि y z तो यहां से छीना चुका है, x भी छीना गया लेकिन एक x बच गया, क्योंकि 2x था, x⁴ था, यानी x × x था और डिवाइडेड बाय x y और z, x y z से x y z कैंसिल हो गया और यही जो तुम्हारा बच जाता है यही तुम्हारा आंसर हो जाता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2, इसको भी हम लोग चाहेंगे तो इस मेथड से डिवाइड करके बना सकते हैं, दूसरा मेथड इसको भी बनाएंगे दो मेथड से, पहला मेथड हम लोग का देखो क्या है, x माइनस 5
और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x + 20। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखना, हम लोग इसमें देखते हैं ऑर्डर, देखते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। बिल्कुल है, अरेंज किया हुआ है पहले से क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें देखते हैं मैक्सिमम डिग्री वाला कौन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तुम रफ वर्क भी कर सकते हो, जिसको नहीं समझ में आता रफ वर्क कर सकता है, जिसे हम लोग के पास मैक्सिमम डिग्री का एक्स स्क्वायर का है और इसमें एक्स है मैक्सिमम। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कैंसिल, कितना बच गया एक्स, यानी एक्स माइनस फाइव का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना है हम लोग को, एक्स टाइम्स पढ़ना है। अब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का फाइव एक्स। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाता है, क्योंकि डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो जहाँ प्लस होता है तो प्लस में से माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, माइनस में से माइनस करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और देखो ये तो कैंसिल हो गया, और नौ जा रहा है पांच में से, तो क्या चिन्ह का चिन्ह माइनस का चिन्ह आ जाएगा ना, और एक्स को एक्स प्लस का 20। बात समझ में आ गया। अब देखो रिक्वायरमेंट माइनस का है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए, और एक्स तो ऑलरेडी था ही पुराना है, माइनस का चार तो चार लगा दिए। अब फोर के टेबल में देखो ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी फोर टाइम्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का फोर एक्स माइनस माइनस प्लस का 20। यहाँ लगा दिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से बच गया कैंसिल जीरो। इस प्रकार ये डिवाइड हो गया। एक ये मेथड हो सकता है, दूसरा एक स्प्लिटिंग मेथड होता है, स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। इसमें क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, हिंदी में बोलते हैं चर पद, इसको कहते हैं अचर पद। तो चर पद को अचर पद के साथ गुणा करे, गुणनफल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। चर पद को बोला जाता है वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिले उस प्रोडक्ट को ऐसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि बीच वाला टर्म मिडिल टर्म मिल जाए। तो जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है क्या चीज 20x2। क्या आ जाएगा 20x2, इसको पुराना है 9। तो देखो x2 को आराम से पुरा लेंगे xx के फॉर्म में, 20 को पुराना है, वो भी माइनस का 9 पुराना है। देखो 2 से लगाएंगे कितना 10, से 2 से लगाएंगे कितना 5। अब देखो ना 2 दूनी 4 और 5 पुट गया 9, लेकिन रिक्वायरमेंट माइनस का है तो इस टर्म को लिखने का तरीका क्या होगा, हम लोग का थोड़ा तरीका चेंज होगा। इसको लिखेंगे माइनस का, देखो ये तो एक्स स्क्वायर है जीटीज रहेगा, और एक्स स्क्वायर को बांट देंगे इसके पास एक एक्स इसके पास, तो ऐसा करने पर तो प्लस का 9x ना आ रहा है, डिमांड में है माइनस का, यानी ये प्लस का है तो माइनस माइनस को दोनों लिख दिए तब पुट जाएगा माइनस का 9। तो माइनस 9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस 4x और माइनस 5x। क्लियर है, पुट गया ना माइनस 9x और प्लस का 20 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 5। क्लियर है ना। अब तुम देखोगे यहां से कुछ बात कि x इसके पास भी x इसके पास भी, हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ से एक x बच गया और माइनस यहाँ से क्या बच गया 4 बच गया। सेम टर्म इधर बुद्धि नहीं लगा के थोड़ा जगह छोड़ करके x माइनस 4 ही लिख देना। अब बाई में है x माइनस 5, ध्यान से देखते जाना यहाँ पे इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5 पुर जाए और x पुर जाए तो माइनस 5x पुर गया, माइनस माइनस प्लस पुर गया, 5 होकर 20 भी पुर गया, पुर गया ना। अब देखो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों के पास था, x माइनस 4 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बच गया हम लोग के पास x और माइनस का 5, और डिवाइड में भी है क्या x माइनस का 5, ये से ये कैंसिल हो गया और हम लोग के पास जो रिजल्ट बचा है वो क्या बच गया x माइनस का 4, और पहले भी जो बनाए थे वहां भी आया x माइनस 4। तो दोनों तरीका से हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड, तो हम ये मेथड से इस क्वेश्चन को कर देते हैं, या तुम बोलोगे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड से क्वेश्चन बनता ही है। जैसे y प्लस 3 डिवाइड करेंगे हम लोग किसको, तो y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 54। मेरे हिसाब से क्लास 8 वाले बच्चे के लिए मेथड ज्यादा आसान लगता होगा इसके तुलना में ना, तो रियलिटी यह है कि दोनों आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सॉरी एक्स करते वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई अकेला है तो एक वाई और चाहिए तब जाके डिग्री पूरेगा सेम। तो वाई से मल्टीप्लाई में कर दिए तो क्या गया वाई स्क्वायर हो गया, वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3y हो गया, और माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस ये कैंसिल हो गया। अब देखो ना 21 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, वाई प्लस का क्या हो जाएगा 54। ठीक है यहाँ तक, अब वाई तो है ही पुराना कितना है 18y, और सामने क्या चीज का चिन्ह है कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है प्लस 18। तो देखो अब आ गया ना तुम्हारा 18y और 18 54 प्लस का 54, तो देखो माइनस कर दिए यहाँ प्लस हाँ माइनस कर दिए बच गया क्या यहाँ से 0। ठीक है, डिवाइड करने पर अपना आंसर ये आ गया। ठीक है, इस मेथड से भी बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड, 7x - 1 से डिवाइड करना है हम लोग को किसको, 14x² + 19x - 3 को डिवाइड करना है। तो 7 के टेबल में 14 कितना टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है ना, हाँ 2 टाइम्स आता है तो 2 लगा दिए। ठीक है, अब देखो x अकेला था, अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई भी कर देते तो 14x आता, लेकिन डिमांड में क्या है स्क्वायर का, यानी एक x और इसको चिपकाना पड़ेगा, चिपका लिया अपना। अब पूरे गया ना 14x * 2 को इससे करा दिए तो माइनस का 2x ले लिया। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी हो गया कैंसिल। अब देखो 19 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 21, माइनस का है 3।
सेवन के टेबल में 21 आता है ना, बिल्कुल आता है। कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। और रिक्वायरमेंट किस चीज का? प्लस का रिक्वायरमेंट था, प्लस का लगा दी 3 और 7 किया आ गया 21, और x तो ऑलरेडी पहले से था ही। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती है, माइनस का 3 आ गया, प्लस का चिन्ह था माइनस लगा दी, माइनस का चिन्ह था प्लस लगा दी, कैंसिल हो गया, ये बच गया 0। समझ में आ गया? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज अपना 6D जो कि क्लास 8 से लिया गया है, तुम लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है डिवाइड करना है, डिवाइड के साथ साथ चेक भी करना है। हिंदी में बोला जाए तो क्या करना है? भाग देना है। भाग देने के बाद चेक भी करना है, यानी जांच भी करना है कि हमने जो भाग किया वो सही किया या गलत। और हिंदी में बोला गया कि कोई बात नहीं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला भाजक गुणे भाग पर जोड़ शेष फल। और इंग्लिश में बोलता है भाई से डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर मतलब याद करना था ना, ठीक है? तो रिमाइंडर तो हम लोग आराम से बनाएंगे, जैसे कि पहले भी हम कर चुके हैं। ऐसा कर्मात कैसे बनाते थे? क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। और देखो क्या है कि 8x प्लस 9 से डिवाइड करना है 48 x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 55 को करना है ना। तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, 8 के टेबल में 48 कितना टाइम्स आता है। जो बच्चा को उतना समझ में नहीं आता है, बच्चा क्या करता है 48x स्क्वायर सबसे बड़का वाला, ताकत वाला, जिसके डिग्री सबसे बड़का वाला हो ना उसको पकड़ लेना, इधर वाला भी सबसे बड़का डिग्री वाला पकड़ लेना, ये इसके बगल में एक्स वाला छुपा हुआ है, दिख रहा है 0 रहा होगा, दिख ही नहीं रहा, तो इसकी डिवाइड में डाल दिया हम लोग 8x। अब देखो ये से ये कट गया, 8 से 8 छक 48 यानी 6x, कितना टाइम लगेगा? 6x टाइम लगेगा, तो आ जाएगा 8 छक 48 एक्स स्क्वायर 8। देखो 9 से 9 छक 54, अच्छा 54 होता है ना, और क्लियर है यहाँ तक? यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, प्लस है तो माइनस लगा दिए, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है? अब देखो 14 में से 54 ज्यादा भीख मांगने बड़ होते, उससे भीख मांग रहे, इसलिए माइनस का छाप उखाड़ लेगा 40x आ गया, ठीक है? यहाँ माइनस का है 55, यहाँ चिन्ह देखो ना क्या चीज का, माइनस का है ना, जब यहाँ माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस आराम से लगा के बैठो रहना। और 8 के पहाड़ा में 8 के टेबल में कितना टाइम आ जाता है? 40, 5 टाइम आ जाता है, 5 वक्त का नमाज पढ़ा ना, तो 5 से लगा दिए तो 8 पंचे क्या आ गया 40x। माइनस का क्यों लग गया? माइनस का 5 से प्लस का 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है 9 का 5 45 45 माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यही है कैंसिल, यही बन गया, यही होनी चाहिए। यहां से क्या आ जाएगा बता तो? माइनस का 10, उल्टा पुल्टा माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि 55 छीन रहा है इससे 45 से लावा, तो माइनस का चिन्ह है। अब हम लोग चेक करेंगे ये फॉर्मूला पे, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिविजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस चीज को पहले हम यहाँ पर एक माध्यम से समझ लेते हैं कि डिविडेंड है कौन, ये पहचानना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है कि डिविडेंड का बात कर रहा है। सबसे पहला बात बोला डिविडेंड, तो डिविडेंड जो है बीच वाला, इसको काटने के लिए आता है डिविजन, ये सब जानते हो ना, बहुत काम देगा। आइए आता है कोसेंट, जिसको हिंदी बोलता है भाग का फल, दिखता है कोटेंट कोसेंट, और नीचे बच जाता है क्या चीज? रिमाइंडर ना। मतलब हम लोगों को करना क्या है, ये बीच वाले टर्म को रखना है जगह पे बैठा करके, 48x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 55 जो होता है वो क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला बोला, जो होता है ना डिवीजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करने पे और उसके साथ साथ उसमें रिमाइंडर को ऐड करने पे यही होता है ना, क्योंकि दोनों इक्वल दिया है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल बात दिया गया है, यानी इधर वाला पक्ष जो आएगा ये दोनों के मल्टीप्लाई और इसके जोड़ने से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है देखो, तो डिविजर क्या है, डिविजर की जगह पर कौन है, देखो ऐसे भी समझ सकते, डिविजर की जगह क्या है 8x प्लस का 9। देखो तुम लोग जब बनाओगे तो याद रखना एक चीज, हम थोड़ा जगह बचा लिए, इंक बचा लिए, तुम लोग लिख देना डिविजर इज इक्वल टू इतना, डिविडेंड इज इक्वल टू इतना, कोसेंट इज इक्वल टू इतना, रिमाइंडर इज इक्वल टू इतना, ये सब चीज लिख लेना, उसके बाद तुम लगा देना फॉर्मूला चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका चेकअप कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करना, ठीक है? ठीक, तो इतना मल्टीप्लाई कितना कोसेंट, क्या बोला है कोसेंट, बोला कोसेंट मतलब ये 6x माइनस का 5 प्लस, जो शेष फल बच गया था वो क्या है माइनस 10, तो प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 10, ठीक है था? अब देखो ये क्या आ गया 8 छक 48 एक्स स्क्वायर, फिर 8 से इसको लगा दिया तो 8 पंचे माइनस 40x, फिर 9 से लगा दिया 9 6 54 प्लस का 54x, फिर 9 को 5 से लगा दिया 9 पंचे 45 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस का 10। तो अब देख सकते हो 48x स्क्वायर माइनस का नहीं होगा, प्लस का हो जाएगा, 54 में से 40 जाएगा 14, ठीक है? 45 माइनस 45 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 55, देख लो मिला करके मिल गया क्या, मतलब तो हमने बनाया बिल्कुल सही बनाया, चेक भी कर लिए। इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर, चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू से डिवाइड करना है किस चीज को, बहुत बड़ा करना है, एक्स टू दी पावर फाइव, एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पावर में पांच है, क्या का कमी है, तीन का कमी है ना, क्या लगा देंगे एक्स पर पावर तीन, एक्स पर पावर तीन है, तीन दो पांच पूरा दिया, एक्स पर पावर हो गया ये पांच, एक्स क्यू को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स पर पावर बन जाएगा तीन, एक्स चार, एक्स पर पावर पूरा गया। अभी देखने में बड़ा लग रहा है ना, देखने में छोटा लगा, घर पर गंभीर तो मजा आया, बड़का का झूठ मुठका है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया प्लस का टू एक्स पर पावर क्यू, एक्स पर पावर क्यू, देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, थोड़ा आ गया दोनों ना। अब ये देखो 2x इससे जा रहा है तो माइनस का आएगा x, ये बात समझ रहे हो, नहीं बात कि माइनस का कैसे आया है, एक्स क्यू एक अकेला था उससे दो मांगने गया तो छोटका से मांगने गया बड़का आदमी तो निगेटिव, सर में से सर झुक गया माइनस का, प्लस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का थ्री लिख दिए, फिलहाल के लिए निगेटिव का डिमांड है माइनस का लगा दिए साइन, और एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू का डिमांड है लगा देंगे एक्स प्राइम, ठीक है। अब पूछ जाएगा क्या चीज, माइनस एक्स क्यू, एक्स को इससे करती तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू एक्स, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, इसे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चार आ एक मिल गया पांच एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पांच जादू बन गया सात एक्स प्लस का थ्री, ठीक। अभी भी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये जब तक बड़ा नीचे वाला जब तक बड़ा तब तक इसको काटेगा, जब छोटा हो जाएगा या कट जाएगा तब नहीं डिवाइड होगा, अभी डिवाइड का प्रोसेस चलेगा, एक्स स्क्वायर पांच से सिर्फ मल्टीप्लाई करना प्लस के पांच से, क्योंकि प्लस में पांच ये, तो पांच से मल्टीप्लाई कर दी क्या गया फाइव एक्स स्क्वायर, पांच से एक्स में कर दी तो क्या बन गया पांच का एक्स, पांच से दो में कर दी तो पांच दो दस, ठीक है, माइनस 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 जहां प्लस का चीन वहां लगा दिया माइनस, ये हो गया कैंसिल, अब सात में से पांच गया तो दो एक्स, अब देखो तीन में से दस जाएगा तो माइनस का सात, अब गरीब बन गया, अब डिवाइड नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इससे कम शक्तिशाली ई है, इसके पावर में क्या है एक है, इसके पावर में क्या है दो है, अब नहीं लगेगा, जब तक पावर इक्वल होगा तब तक झिलाएगा ना, जो पावर कम जाएगा तो नहीं झिलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, चेक करने का रूल तुम लोग को पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे डिविडेंड क्या है, डिविजर क्या है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो देखो ध्यान समझना डिविडेंड क्या है, तो ये डिविडेंड है, ये डिविजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, तो ये सब चीज हम लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, तो हम तो नहीं लिखेंगे, ये बचाना था तो हम लोग ये टर्म लिख लेंगे, ये भी टर्म हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर ये टर्म लिख लेना क्योंकि डू योर सेल्फ में रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू डू योर सेल्फ मतलब ये इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई इतना, ये हम कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस फाइव के साथ, और जोड़ देंगे नीचे वाले टर्म को प्लस का टू एक्स माइनस का सेवन, और ऐसा करने पे ये मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि बिल्कुल हम सही बनाए थे डिवाइड, अदरवाइज गलत है। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू मल्टीप्लाई बन गया एक्स पर पावर पांच, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करा दिया तो क्या बन गया माइनस एक्स क्यू, समझ रहा, बारी बारी पारा पारी खेलेंगे इसका, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर, अब इसका कहानी सबके साथ बन चुका था, अब इसका कहानी एक्स का एक्स क्यू के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स पर पावर तीन एक्स चार, एक्स का इससे कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का करा देंगे पांच के साथ तो बन जाएगा पांच एक्स, ठीक है। अब दो बच्चा लगेगी ना, दो से थोड़ा इसको दो से इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 2x क्यू है ना, कि 2 को इससे करा देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2x, देखो ना 2x माइनस का 2x प्लस 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 2 पंचे 10, ठीक है। अब बच गया ये 2x माइनस से, ये कोई रूल नहीं है कि नीचे लिखा जाता है, जगह का कमी इसलिए नीचे लिखा जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास जगह होगा फाइल से तो फाइल से लिखना सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम भी लिख सकते हो, वैसे x टू दी पावर आ जाता है 5, क्लियर है, एक्स क्यू यहाँ पे है और एक्स क्यू वाला और कहीं पे है, यहाँ पे है, टू एक्स क्यू में से एक एक्स क्यू चल जाएगा तो क्या एक्स क्यू बचेगा, अकेला एक्स क्यू बचेगा, लेकिन कोशिश क्या करते हैं हम लोग, पहले अरेंज करते हैं किस ऑर्डर में डिसेंडिंग, सबसे ज्यादा डिग्री उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो देखो पांच के बाद चार आना, क्या चार वाला मिल गया एक्स टू दी पावर फोर पढ़ा लिए, अब तीन वाला देखो दो एक्स क्यू में से एगो एक्स क्यू जाएगा तो क्या बच जाएगा एगो एक्स क्यू बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला ये है और कहीं एक्स स्क्वायर वाला ये, तो पांच में से एक गया तो क्या बच गया चार एक्स स्क्वायर, क्या बच गया चार एक्स स्क्वायर, ये और ये थोड़ा चुका है ना, बच गया कौन चीज पांच में से दो एक्स चल जाएगा तो कितना बच जाएगा तीन एक्स, अब फिर दो आगे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा उतना नहीं, यही से कट गया, क्या बच गया पांच एक्स, क्या बच गया फाइव एक्स बच गया, और ये दस था दस में से सात चल गया तो कितना बच गया तीन, अब तुम मिला दो एक एक चीज मिलेगा
एक्स टू दी पावर फाइव एक्स टू दी पावर फाइव वाई टू दी पावर सॉरी वाई बोलते हैं एक्स टू दी पावर फोर एक्स टू दी पावर फोर एक्स टू दी पावर क्यू एक्स टू दी पावर क्यू फोर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स थ्री थ्री। तो जांच कर लेते हैं, देखते कि बिल्कुल हमने सही बनाया डिवाइड, जगह कमी है तो इसको साफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड, तो फिर से वही कहानी है, हम लोग को बढ़ाना ये क्वेश्चन है एक्स वाई क्यू प्लस वाई माइनस वन। इस तरह के क्वेश्चन को तुम दो तरीके से बना सकते हो, जनरल जो है क्वेश्चन ऐसे बना दो, नहीं तो तुम जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लगा सकते हो ताकि ऑर्डर में दिखे क्वेश्चन। तो ये सब चीज नहीं भी करेंगे तब भी आ जाएगा ठीक है, तो बिना चीज क्यू है करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर है टू वाई टू दी पावर फाइव माइनस सिक्स वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई। तो वो चीज क्यों नहीं की, ये भी बात को समझ लेना। पांच के बाद तीन आ गया, चार तो ना आया, छोड़ देंगे, नहीं भी करेंगे तब भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या कहना चाह रहे थे इस बात को थोड़ा समझ लेना। हम बोलना ये चाह रहे थे कि वाई क्यू के साथ आना चाहिए क्यू के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर वन डिग्री, तीन के बाद दो डिग्री, दो के बाद एक डिग्री, उसके बाद जीरो डिग्री, यानी कि वाई क्यू आया तो प्लस में आना चाहिए तो वाई स्क्वायर। तो नन्ना दिख रहा था तो सब में, इसको हम चाहते थे ऐसे भी लिख सकते, जीरो इंटू रहा होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस वन, ऐसे करके भी हम बना सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा ठीक। चलो करते हैं यहाँ पे y क्या का कमी, दू का पुराना है, चलो दू सड़ा दू लगा दिया यहाँ पर, जैसे दू लगा दी तो दू y पर पावर तीन आ जाएगा, तो मार तो नहीं कर पाएगा ना, सैनिक बराबर होगा ना, मार बराबर ही होगा। तो यहाँ पर घट रहा है कितना, तीन में क्या जोड़ेंगे तो पांच पड़ेगा दू, यानी यहाँ पर y में जाएंगे दू ठीक है, तो पुड़ जाएगा पांच। अब इसको इससे करा देंगे तो प्लस का बन जाएगा टू y पर पावर दू, आई इसके पावर कुछ नहीं मतलब एक तो तीन वाई है, मर गया यहाँ प्लस है ना लगाया माइनस, प्लस है ना लगा दिया माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जोड़ता है छाप छुप करता माइनस एक, तो छह वा दू बन गया आठ वाई पर पावर क्यू, यहां से उतर गया प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, माइनस का छाप ऊपर लगा देना माइनस का छाप ठीक है यहाँ पर। और रिक्वायरमेंट है क्यू के साथ, क्यू तो है ना, क्यू तो पुड़ गया, पुराना आठ था लगा दिए एट से, डायरेक्ट कितना आसान था, एट से जिसे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एट वाई क्यू आ गया, और एट से जिसे मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया प्लस का एट वाई आ गया, समझ रहे बात ना। चलो वो सब चीज लिखने से पहले वाला तो उतार देना थोड़ा जाएगा ठीक है, यहाँ एट को इससे कर देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस एट वाई, सामने में रख दिए जेकर जो जात था, माइनस माइनस बीच में ऐसे माइनस ठीक है, माइनस एट माइनस वन मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस का एट हो गया ठीक है, यहां तक यहाँ माइनस था लग गया प्लस, यहाँ माइनस था लग गया प्लस, यहाँ प्लस था लग गया माइनस, ये से थोड़ा सा रखा गया, यहाँ पर क्या लिखा गया वाई स्क्वायर, और ये कट गया यहाँ से बच गया क्या माइनस एट बच तो गया। अब देखो तुम ध्यान से, इसका डिग्री इससे क्या ज्यादा है, इससे ज्यादा इसका डिग्री, इसलिए इसको डिवाइड अब नहीं कर पाएंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो बोला कि चेक कर दीजिए बनाया तो सही है या गलत, तो हम लोग अब करेंगे चेक। चेक करने के लिए हम बोले थे इंक हम बचाना चाहे तो नहीं लिखेंगे, चल लिख देते चलो कितना बचा, टू वाई पर पावर फाइव माइनस सिक्स वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई इज इक्वल टू, ये क्या है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट, डिवीजर तो क्या है वाई क्यू है प्लस वाई माइनस वन, तो क्या बोला फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट क्या है तो कोसेंट तुम्हारा है टू वाई स्क्वायर माइनस एट प्लस रिमाइंडर क्या है तो वाई स्क्वायर माइनस का एट ठीक है। अब इसको हम लोग इससे भिड़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा टू y पर पावर तीन दू पांच, फिर इसको करा देंगे इससे फिरा करके माइनस एट y पर पावर क्यू, फिर इसको अभी नहीं बारी है तो नहीं बारी है, फिर इसका कराएंगे इससे तो क्या बन जाएगा प्लस का टू y पर पावर दू है इसके पावर कुछ नहीं मतलब एक, यानी कि बन गया y पर पावर थ्री, फिर इसको इस कराएंगे और इससे तो माइनस एट y, अब माइनस वन से सब में मल्टीप्लाई दोनों में तो क्या हो जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर, इफेक्ट निकालेगा माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का एट प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एट, ये वाला लिख लिया ये सीधे कट गया ना, तो देखो यहां से क्या हो गया टू वाई पर पावर फाइव ठीक है, और आठ वाई क्यू में और प्लस टू वाई क्यू माइनस का और प्लस का है तो बस क्या क्या माइनस का सिक्स वाई क्यू, क्लियर है। अब आठ वाई माइनस का, अब इसका ब्याह दर कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा, स्क्वायर वाला का ब्याह दर यह है, स्क्वायर वाला का ब्याह दर यह है, तो एक में से दू गया तो माइनस एक यानी वाई स्क्वायर, और बस क्या कौन सी चीज माइनस एट वाई। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड था वो भी चेक हो गया, गेम में बनाए थे बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर और है सिक्स डी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला जा रहा है कि डिवाइड भी कर लेना है और चेक भी करना है, क्या चेक करना है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है या नहीं।
अगर हम लोग को सिर्फ ये चेक करना होता कि x माइनस वन इसका फैक्टर है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना होता तो डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि x माइनस वन को हम लोग जीरो के इक्वल कर लेते, यानी x बराबर वैल्यू आ जाता 1, और 1 को जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देते, पुट करने पर रिजल्ट जीरो बन जाता, समझ जाते कि फैक्टर है। समझ में आया? तो हम लोग को यहाँ पर कहा दिया एक चीज डिवाइड करना, उसके बाद भी चेक करना है क्या चीज, या इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वन से हम लोग डिवाइड करते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस वन को। अगर r जो आता है जीरो, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ फलन। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है फलन का। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, x माइनस वन से डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पावर में तीन है, यहाँ पावर में एक है, डिमांड x स्क्वायर का होगा। x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, x को माइनस से करेंगे माइनस वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बन गया टू एक्स स्क्वायर, माइनस के यहाँ से उतरेगा एक्स। रिक्वायरमेंट टू का था, अभी प्लस में था, यहाँ एक्स अकेला था, यहाँ एक्स दुकेला है, तो एक एक्स दे देंगे और दुकेला बन जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब देखो टू में से एगो एक्स दिया तो बन गया एगो एक्स, यहाँ से उतरेगा माइनस का वन। अब देखो दोनों सेम दिख रहा है, प्लस का वन से लगा देंगे तो वन टाइम्स में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल, एक में एक से गया तो जीरो, क्या आ गया यहाँ आर जीरो आ गया। तो हम क्या बोल पाएंगे, हेंस, हेंस क्या बोल पाएंगे, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, बिकॉज, बिकॉज R is equal to zero. R is equal to zero. क्यों? यह फैक्टर है क्योंकि हमें R का वैल्यू क्या मिला, जीरो। R पर क्या होता है, रिमाइंडर ना, तो रिमाइंडर जीरो आ गया तो क्या हो गया, फैक्टर है। रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखना क्या है, इसको भी वही करना है, टू वाई माइनस फाइव इसका फैक्टर है, यानी डिवाइड करके देखेंगे, जीरो आ जाएगा R का वैल्यू तो बोलेंगे फैक्टर, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। टू वाई माइनस फाइव से डिवाइड करना है किस चीज को, 4y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 25, ठीक है, दो दुनी चार पूर सकता था, दो से लगा दिया, दो दुनी चार y आ गया, लेकिन y पावर में दो चाहिए था, देखो और y दे दिया, अब पूर गया, दो दो पांच दुनी माइनस का 10, अब y तो y, यहाँ क्या चीज कहती है प्लस का, तो लग गया माइनस है, माइनस का तो नीचे लगा दिए प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये से कैंसिल हो जाता है, 20 में से 10 जाता है, यानी कि 10 में से 20 गया था माइनस का 10 y, अब प्लस का यहाँ से उतरा 25, प्लस का उतरा 25, ठीक है। अब देखो दो में कितना से गुणा करेंगे कि 10 आ जाएगा, 5 से, माइनस का चिन्ह तो माइनस 5 से, तो 5 दूनी माइनस 10 वाई, माइनस माइनस प्लस 25 लगता है, ये भी फैक्टर है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या बच गया, यहाँ भी क्या मिला हमें, तो जीरो मिला, तो यहाँ भी बोल पाएंगे यही बात, हेंस, हेंस 2y माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 25, क्योंकि, बिकॉज क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिकॉज r इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू जीरो, या ऐसे भी लिख सकते थे रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, आर नहीं गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो हो गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं होता फैक्टर नहीं, सीधा बात है बकवास। 60 प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, 36 सी स्क्वायर प्लस 24 सी प्लस 1 को, 6 के टेबल में 36 आता है ना, हाँ आता है, क्या बर्तन है तो आता है 6 मात्र, तो 6 36 और सी, तो 36 सी इंटू सी बन गया सी स्क्वायर, 6 को 1 से करेंगे तो प्लस का 6 सी, माइनस माइनस यही हो गया कैंसिल, 24 में से 6 गया तो 18 सी, ठीक है, प्लस का 1 सी तो ऑलरेडी है, पुराना 18 है, पुराना 18 है तो 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स आता है तो प्लस का 3, तो देखो 36 18 सी और 3 को 1 से कर दिए तो 3 1 जा 3, क्या आ गया यहां से देख सकते हो, क्या आया माइनस का 2, आर आया 0 नहीं, तो क्या बोलेंगे, हेंस 6 सी प्लस 1 इज ए नॉट, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
36 c² + 24 c + 1 रिमाइंडर जो आया है डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए इसका एक फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 जो कि होगा लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर भी बताना है और कोसेंट भी निकालना है। तो यानी कि हम लोग को करना होगा डिवाइड x माइनस 1 से डिवाइड करना है 5x² + x - 3 को, तो रिक्वायरमेंट है 5 का, तो लगा दिए यहाँ पे 5, x पर पावर 2, यहाँ x पर पावर अकेला 1 है तो एक x का रिक्वायरमेंट है, तो उतार हो गया सब, तो आ जाएगा 5x² 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5x, 5x³। अच्छा x³ है क्वेश्चन, हाँ हाँ चलो ठीक है x³ है, जब x³ है तो लगाएंगे x², चलो कोई बात नहीं है, तो x² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा -5x², ठीक है। अब यहाँ पर लगा देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो लगा दिए प्लस, ये कैंसिल, इसका जाप तो ये है, ये कोई बात नहीं है, तो ये अकेला उत्तर क्या जाएगा 5x², उसके बाद लिख देंगे हम लोग x और माइनस का 3, क्लियर है। 5 का रिक्वायरमेंट है, चलो प्लस का 5 लगा दिए 5 से, तो आ जाएगा 5x, लेकिन पावर में चाहिए था 2 तो और x चाहिए होगा, तो बन जाएगा 5x², 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 5x, क्लियर है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, 5 × 6x - 3। तो बोला गया था कोसेंट निकालने के लिए, तो बोलेंगे क्या आया है कोसेंट, कोटेंट क्या आया है तो 5x² + 5x, जबकि बात करा जाए किसका रिमाइंडर का तो आया है 6x - 3, और ये अपना हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2x + 3 से डिवाइड करेंगे 6x² + 15x + 9 को, है ना, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, तो 3 टाइम्स लगा दिए, पावर में 1, पावर में 2, पावर में 1 चाहिए तो 1 और x चाहिए होगा, तो क्या लगा दिए 3 × 6x² + 3 + 9x, ठीक है। यहाँ लगा दिए माइनस, पहले तो लगा दिए माइनस, ये हो गया कैंसिल, 15 में से 9 गया था 9 × 6 = 15, ठीक है। यहाँ से प्लस में उतर गया 9, रिक्वायरमेंट है 6 का, लगा दिए 3 × 6 = 9, माइनस प्लस को माइनस कैंसिल, बस गया क्या थी 0, डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर हमें कोसेंट क्या मिला, तो कोसेंट क्या मिला हम लोगों को 3x + 3, जबकि बात करते हैं रिमाइंडर का तो क्या मिला रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के तौर पे हमें मिला है 0, और यही अपना फाइनल आंसर हुआ। चलो इसको कर लो तुम लोग अब नोट,